सब कुछ बहुत अच्छे से होना चाहिए। अब जल्दी जाओ और जल्दी जल्दी सब कुछ करो। खैरियत, ये क्या हो रहा था? सारी इंस्ट्रक्शंस क्यों दी जा रही हैं? मम्मी जी, आज आज सुहेल का बर्थडे है, तो मैंने सोचा कि छोटी सी सेलिब्रेशन कर लें घर में। हाँ, सुहेल का बर्थडे। देखो, तो परेशानियों में दिमाग से निकल ही गया मेरे, वरना मैं ही कुछ एहतमाम कर लेती। आप फिक्र मत करें, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, बस सुहेल को नहीं बताइएगा, उनके लिए सरप्राइज है। नहीं बताऊंगी, ऐसे ही खुश रहा करो। बहुत प्यारी लग रही हो। आपने कह दिया, समझने ऐसा ही होगा। अच्छा, तो सुहेल इस प्लान के लिए कह रहा था कि प्लान ना खराब हो जाए। मम्मी जी, मैंने वो सारा को भी इनवाइट किया है, मैंने ठीक किया ना? बहुत अच्छा किया। मैंने सोचा कि सारा भी अब इस घर का फर्द बनने वाली है, बस इसलिए। अच्छा, तुम अपना फोन देखो, मैं जरा किचन में कुछ देख लूं। हेलो, माँ पारा बात कर रही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? जब आपका शौहर मेरे घर आ सकता है, तो मैं आपको फोन क्यों नहीं कर सकती? मेरा शौहर? बकवास कर रही हो, झूठ बोल रही हो, तुम पागल हो गई हो। तुम्हारा दिमाग खराब है। नहीं, कैरेक्टर खराब है, वो भी आपके शौहर का। झूठ बोल रही हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म उसे आए जिसका शौहर उसे छोड़कर दूसरी लड़कियों के साथ मुंह काला करे। वो बारा। और हाँ, आपके शौहर का वॉलेट रह गया है यहाँ पे, एड्रेस सेंड करी हूँ, किसी को भेज कर रखवा लेगा। अल्लाह हाफिज़। मम्मी, मम्मी जी, मम्मी जी। हाजरा, हाजरा क्या हुआ बेटा? मम्मी जी, हाजरा हौसला करो, मम्मी जी करिए। आप सच बोलती, कम से कम मेरी इतनी बदनामी तो ना होती। बदनामी तो तुम्हारी होनी थी, चाहे वो रायत के साथ होती या फिर सुहेल के साथ। और अगर मैं तुम्हारे हक में सच बोल देती तो सुहेल मुझे तलाक दे देते।